नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी सुधी श्रोताओं और दर्शकों के लिए प्रखर गूंज लेकर आया है प्रखर गूंज किस्सों की पोटली से एक नया किस्सा। एक ऐसा किस्सा जो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बड़े बुजुर्गों को भी भाएगा। आज हम आपके लिए लाए हैं हैदराबाद तेलंगाना की आदरणीय मनोरमा शर्मा जी की कहानी। परिचय की बात करें तो स्थायी पता सिकंदराबाद, शिक्षा एमए बीएड, टीजीटी हिंदी शिक्षिका। उपलब्धियों के बारे में बात करें तो बेस्ट टीचर अवार्ड और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु भूतपूर्व मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी से प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हो चुका है। साझा ऑनलाइन प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 6, हार्ड कॉपी में साझा प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 5, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में बहुत सारी रचनाओं का प्रकाशन, ऑनलाइन प्राप्त सम्मान 30, देश मेरा कविता पर उत्तम कविता पुरस्कार, अमृता प्रीतम और महादेवी वर्मा कवित्री सम्मान, महिला सशक्तिकरण आलेख पर पुरस्कार, हार्ड कॉपी में प्राप्त सम्मान की संख्या 2, साहित्य सागर शिरोमणि सम्मान आदि महत्वपूर्ण सम्मानों से नवाजा जा चुका है। दोस्तों, सुनते हैं कहानी, शीर्षक संस्कारों का कंगन। 60 वर्षीय शांति देवी उस दिन बहुत खुश थी जिस दिन उन्होंने अणिमा को अपनी बहू बनाने का निर्णय लिया था। 23 वर्षीय अणिमा इतनी खूबसूरत थी कि चांद भी उसके आगे शर्मा जाए। अणिमा सूरत और सीरत दोनों की बराबर हकदार थी। वह सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। अच्छे संस्कार भी उसमें कूट कूट कर भरे थे। शांति देवी का इकलौता लड़का नितिन बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। शांति देवी और नितिन दोनों ने मिलकर अणिमा को पसंद किया था। शांति देवी ने बड़े शौक से बेटे की सगाई एक बड़े होटल में की। शादी की तारीख भी तय कर दी गई। एक दिन शांति देवी ने अणिमा को अपने घर बुलाया और एक जोड़ा कंगन देते हुए बोली, बेटी, यह कंगन मेरी सास ने मुझे मेरी सगाई के बाद दिए थे। आज मैं तुम्हें सौंप रही हूँ, यह संस्कारों का कंगन है। दूसरे शब्दों में यह खानदानी संस्कार है जो मैं तुम्हें सौंप रही हूँ, इसे अब तुम संभालो। जी माँ जी, ऐसा कहकर अणिमा ने कंगन को ले लिया था। शादी की अच्छी तैयारियां चल रही थी। अणिमा बहुत खुश थी, नितिन को पति के रूप में पाकर फूले नहीं समा रही थी। शांति देवी भी बहुत खुश थी। इतनी खुशी कहां किसी से देखी जाती। एक दिन नितिन वंदना नामक एक लड़की से आर्य समाज मंदिर में शादी करके घर आ गया। शांति देवी अवाक रह गई, बोली, बेटा, अणिमा को तुमने ही पसंद किया था तो फिर शादी तुमने वंदना से क्यों की। नितिन बोला, माँ, अणिमा सुंदर है लेकिन मेरे स्तर की नहीं है। ढंग से अंग्रेजी भी बोल नहीं पाती है। मैंने तो सिर्फ आपके कारण उससे सगाई की थी। मैं उसके साथ खुश नहीं रह पाता, माफ कीजिएगा। एक बार तुम बता देते तो मैं वंदना ही से तुम्हारी शादी करवा देती। तुमने अच्छा नहीं किया बेटा, कहकर शांति देवी आंसू पोंछते हुए वहां से हट गई। शांति देवी ने अणिमा को बुलाकर स्थिति से अवगत कराया और सैकड़ों बार माफी मांगी। अणिमा ने शांति देवी को कंगन लौटा दिए। अणिमा के पिताजी हृदय रोगी थे, इस आघात को सह नहीं पाए और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई जिस दिन अणिमा की शादी की तारीख तय हुई थी। शांति देवी खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। अणिमा के पिता की मृत्यु का जिम्मेदार वह खुद को मान रही थी। अपने पति की मृत्यु के बाद भी इतनी विह्वल नहीं हुई थी जितनी वह आज थी। एक साल बाद अणिमा की शादी किसी और लड़के से हो गई, लेकिन शांति देवी का मन अशांत ही रहा। वह नितिन और वंदना से भी बहुत कम बात करती थी। धीरे धीरे शांति देवी बीमार रहने लगी। जब उनको ऐसा लगा कि शायद वो नहीं बच पाएंगी, तब एक दिन उन्होंने अणिमा को बुलाया और वही कंगन देते हुए कहा, बेटी, यह संस्कारों का कंगन है, इसे मैं नितिन वंदना को नहीं दे सकती।
मैं माँ होकर भी नितिन को नहीं पहचान सकी और तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर बैठी। चाहती हूँ इस कंगन को तुम ले लो और सच्चे दिल से मुझे माफ कर दो। अनिमा ने वक्त की नजाकत को समझा, कंगन को लेते हुए बोली, हाँ मैंने आपको माफ किया। इधर अनिमा के मुख से यह शब्द निकला, उधर शांति देवी ने अंतिम सांस ली। अनिमा वहीं खड़ी रह गई, लेकिन शांति देवी के चेहरे पर एक स्निग्ध शांति थी। दोस्तों, यह थी मनोरमा जी की कहानी। आशा करते हैं आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी प्रकार की अन्य रचनाएं और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रखर गुंज के साथ। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।